मनुष्य की उपलब्धियां उसकी सोच विल पावर पर निर्भर है। हम सबके जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में विल पावर ही आपकी मुसीबतों से लड़ने में मदद करती है। इस शक्ति के अंतर्गत दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, कार्य करने की अनवरत चेष्टा आदि गुण आते हैं। यह शक्ति मनुष्य के ऑरा पर अपूर्व तेज उत्पन्न करती है और आंखों में सम्मोहन का जादू लाती है। सवाल यह है कि लोग अक्सर असफल क्यों हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपनी विल पावर को अनदेखा कर देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति। इस शक्ति के अभाव में अन्य गुण जैसे ईमानदारी, साहस, परिश्रम और लगन आदि व्यर्थ हो जाते हैं। अधिकांश ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति के पास धन, बल और ज्ञान तो है, किंतु वह अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उनमें इसी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होता है। इसके विपरीत ऐसे अनेकों व्यक्ति प्रसिद्ध हो गए हैं जो साधन विहीन थे, परंतु अपने मनोबल के कारण वे कुछ न कुछ बन गए। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब है कि मैं यह कार्य करूंगा और करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो। ऐसी इच्छा जिसकी ज्योति कभी मंद ना हो दृढ़ इच्छा शक्ति कहलाती है। बहुत से लोग ठीक से निर्णय नहीं ले पाते कि वे क्या करें। उनका मन हजार दिशाओं में दौड़ता है। वे दृढ़ इच्छा शक्ति के चमत्कार को क्या समझ सकते हैं। इच्छा एक मार्गदर्शक की तरह है। इच्छा वह ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपको बिस्तर से अलग करती है, वह भी तब जब आप बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते। इच्छा आपको वह ताकत प्रदान करती है जिससे आप मैराथन के आखिरी 100 मीटर दौड़ जाते हैं, जबकि आपके लिए अगला कदम भी असंभव सा जान पड़ता है। इच्छा आपको कठिन चीजें करने की हिम्मत देती है जो आपका प्रतिद्वंद्वी करने का इच्छुक नहीं होता। इच्छा ही प्रेरणा की जननी होती है। इच्छा आपको खींचकर फिनिश लाइन तक ले जाती है और आपको जीत दिलाती है। इच्छा तब पैदा होती है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो अचानक भविष्य के संदर्भ में आपको खुद को देखने का नजरिया बदल देता है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर होते हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमारे भविष्य की दिशा ही बदल जाती है। इन टर्निंग पॉइंट में कुछ नाटकीय घटनाक्रम सामने आते हैं और हो सकता है कि मामूली बदलाव ही बड़े कदम का इशारा बन जाए। यदि आप इन टर्निंग पॉइंट्स पर नजर बनाए रखेंगे और अपने उद्देश्य एवं लगन को खोज निकालकर उन्हें जीत की योजना, तैयारी और उम्मीद की प्रक्रिया में शामिल करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हम सब जानते हैं कि जिंदगी बेहद कठिन है। हमारे लक्ष्य और सपनों को लेकर बनाई गई बेहतरीन योजनाएं अक्सर धरी की धरी ही रह जाती हैं। इस लिहाज से हर शख्स के अंदर दो गुण अवश्य ही होने चाहिए जो उसकी इच्छा और सफलता की चाहत में शुरू हुए सफर को जारी रख सकें। ये दो गुण हैं कमिटेड और परसिवियरेंस। आपके अंदर लक्ष्य पर खुद को केंद्रित रखने को लेकर उचित कमिटमेंट और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहने की निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए, जो सफलता के सफर में आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाली परेशानियों और झटकों से निपटने में आपकी मदद करे। कमिटमेंट से आपको उन विचारों को हटाने में मदद मिलेगी जो आपको आपके सफर से भटका सकते हैं, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव किसी को भी आसानी से हतोत्साहित कर देते हैं और इंसान का ध्यान अपने लक्ष्य से आसानी से भटक जाता है। जब आप वाकई किसी चीज को चाह रहे होते हैं, जब आपको उस चीज की इच्छा होती है और आप उसे लेकर उत्साह में होते हैं, तब आप उसे हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं। इस शक्ति को दृढ़ बनाकर आप अपनी सोच के अनुसार चीजों को पा सकते हैं। इच्छा शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली आकस्मिक उद्वेग होते हैं, और यदि हम इस इच्छा शक्ति को निरंतर उसी प्रकार बनाए रखते हैं तो हमारे लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं होता। यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत अधिक कठिनाई हो जाती है। वहीं यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति की अधिकता हो जाती है तो यह घमंड का रूप ले लेती है। हमें हमारे अंदर इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए एकाग्रता, चिंतन, ध्यान लगाना, सकारात्मकता, नियमित व्यायाम, अपने कार्य पर दृढ़ रहना और स्वयं को प्रोत्साहित करने जैसे गुणों की आवश्यकता होती है।
यदि हमारे अंदर इन सभी गुणों का समावेश है तो अवश्य ही हम दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत कर सकते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इच्छा सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है, और जब इस इच्छा शक्ति को हम आत्मनियंत्रण के सहारे वैसा ही दृढ़ बनाए रखते हैं तो हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपके अंदर उसे लेकर तड़प या बेचैनी महसूस होनी चाहिए। अगर आप में उस कार्य को करने की बेचैनी नहीं है तो आप न तो उस कार्य के लिए कोई योजना बनाएंगे और न ही उसे कर दिखाने के लिए तैयार ही हो सकेंगे। दिमाग में उन चीजों की ही छाप पड़ती है जिन्हें आप वास्तव में करना चाहते हैं। यही कारण है कि इच्छा इस कदर ताकतवर है और योजना तैयार करने में यह बड़ी भूमिका निभाती है। अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उसके बारे में आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। जब आप उसके बारे में ढेर सारे विचार जुटा लेते हैं तब आपके लिए योजना बनाना ज्यादा आसान और ज्यादा आनंददायक हो जाता है। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति तभी विकसित कर सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मनियंत्रण हो। जैसे यदि हमारा लक्ष्य किसी परीक्षा को पास कर उच्च पद प्राप्त करने का है तो यह हमारी इच्छा है, परंतु जब हम पूरी ऊर्जा और लगन के साथ मेहनत करते हैं तथा अपने ध्यान को और कहीं भटकने नहीं देते हैं, स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखते हैं, तो यह हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति कहलाती है। इच्छा सफलता का शुरुआती बिंदु होती है। जब हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तन मन और धन अर्थात संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, अर्थात अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, तो यह हमारी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति में परिवर्तित कर ले तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं जिसे पाना हमारे लिए असंभव हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं, हम उसे आकर्षित करते हैं जिसे हम प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य का निरंतर पीछा करने का निर्णय लेते हैं, सभी ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे मिशन में सभी दिशाओं से मदद करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और लक्ष्य हमारी पहुंच में प्रतीत होता है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में अक्सर हमारी प्रतिभाएं व्यर्थ चली जाती हैं और सद्गुण निष्क्रिय रह जाते हैं। अगर हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो यह आकस्मिक उत्पन्न होती है। इसे उत्पन्न करने का कोई तरीका नहीं है, परंतु इसे सुधारने या इच्छा शक्ति को बढ़ाने के कई उपाय हैं। हमें इच्छा शक्ति को विकसित करने या बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हमारा एक लक्ष्य हो, क्योंकि जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा हम आगे उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें एकाग्र होने की आवश्यकता है। जब हम एकाग्र होंगे वह हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, तब हम एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे जो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। हमें अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए स्वयं को अनुशासित रखना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य नियत समय पर करते हैं तो हमारे अंदर उस कार्य को और करने की इच्छा प्रकट होती है जो हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। हमें हमारी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो भविष्य में हमारा जीवन किस प्रकार का होगा। इससे हमारा लक्ष्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और इच्छा शक्ति और मजबूत होगी। चाहे इच्छा शक्ति को दृढ़ करना हो, एकाग्रता ग्रहण करनी हो या सकारात्मक सोच विकसित करनी हो, इन सबके लिए आवश्यक है ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के पश्चात हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। हमें स्वयं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। हमें स्वयं को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारी इच्छा शक्ति में भी सुधार होता है। हमें अपने कार्य के प्रति हमेशा सकारात्मक होना चाहिए तथा नकारात्मक विचारों को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। हमें किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही बने रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति नकारात्मक भावों को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी। जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से हम शारीरिक व मानसिक पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि पैदा होती है जो इच्छा शक्ति विकसित करने में सहायक होती है।
इन सब उपायों का प्रयोग करके हम अपनी इच्छा शक्ति को सुधार सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे लिए ऐसे ब्रह्मास्त्र का कार्य करती है जिसके लिए कोई भी कठिनाई अकाट्य नहीं होती, अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे हम अवश्य ही उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे जिसकी हम कल्पना करते हैं। इच्छा शक्ति आकस्मिक उत्पन्न होती है, वही आत्मनियंत्रण लंबी अवधि के अनुशासन का परिणाम होता है। यदि किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वह व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में असफल नहीं होता है। हमारी इच्छा शक्ति जितनी अधिक दृढ़ व मजबूत होगी उतना ही जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अर्थात यदि हम केवल इच्छा करते हैं तो हम हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे या नहीं कुछ कह नहीं सकते, परंतु यदि हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इच्छा शक्ति एक मशाल की तरह होती है, यदि आपने इसे जलाए रखा तो आपको कहीं भी अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात यदि आपकी इच्छा शक्ति निरंतर एक जैसी ही बनी रहती है तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और आपको मार्ग में कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति एक कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी की तरह है, हम जब तक और जितना कोयला उसमें डालेंगे वह तब तक और उसी गति से चलेगी। इसी प्रकार हमारी इच्छा शक्ति होती है, जब तक कि इच्छा शक्ति हमारे अंदर प्रबल होती है तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं।